हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल स्मार्ट अड्डा। आज हम आपको बताएंगे कि जैसे आपका वोटर आईडी गुम हो गया है या डैमेज हो गया है, तो किस प्रकार आप अपना डुप्लीकेट वोटर आईडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। तो चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन ऐप को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। इसके बाद इसके दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद एग्री करके नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट करके अगर आप ये ऐप इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं, अगर हिंदी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं इंग्लिश में और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अब ये ऐप खुल गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ऐप पे हम आ चुके हैं। इसके बाद हम वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब सबसे नीचे देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी कार्ड फॉर्म 001, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर करने के बाद लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और इसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आने के बाद ओटीपी डालेंगे तो चलिए मैंने ओटीपी डाल दिया है, अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आपके पास वोटर आईडी है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। हमारे पास वोटर आईडी है तो यस पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे अपना वोटर आईडी नंबर डालते हैं और फैच करते हैं। फैच करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी वोटर आईडी की डिटेल खुलकर आ गई है स्क्रीन के सामने। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हाउस नंबर डालना है, जो भी हाउस नंबर है वो हाउस नंबर डाल देंगे। यहाँ पर फिर अपने मोहल्ले या एरिया का नाम डाल देंगे। तो मैंने अपने मोहल्ले का नाम डाल दिया है और यहाँ टाउन विलेज पे अपने गांव का नाम डालना है तो मैंने अपने विलेज का नाम डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पुलिस स्टेशन, तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम डालना है यहाँ पे, तो मैंने अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम डाल दिया है। उसके बाद पिन कोड, यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है, पिन कोड डाल के और नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रीज़न फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आईडी, कि आप अपना वोटर आईडी रिप्लेसमेंट क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आई लॉस्ट माय वोटर आईडी कार्ड, यहाँ पे इतना टाइप करके। अब यहाँ सेलेक्ट जेंडर में अगर आप मेल हैं तो मेल पे टिक कीजिए, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पे टिक कर सकते हैं। आगे ऑप्शन मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ईमेल, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देता हूँ, ये डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब आगे ऑप्शन ये आ रहा है कि चूज ऑप्शन टू कलेक्ट वोटर आईडी कार्ड, मतलब आप अपना वोटर आईडी किस प्रकार लेना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम वीआरसी या सीएससी, इसका मतलब है कि आप अपना वोटर आईडी वीआरसी या सीएससी के माध्यम से लेना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन है आई विल डू रिसीव माई वोटर आईडी बाय पोस्ट, अगर आपको इंडिया पोस्ट के माध्यम से लेना चाहते हैं तो दूसरे वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आई विल कलेक्ट वोटर आईडी फ्रॉम बीएलओ, अगर आप अपना वोटर आईडी कार्ड बीएलओ के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो थर्ड वाले ऑप्शन पे टिक क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे नाम ऑलरेडी आ चुका है मेरा, अब प्लेस पे डालना है, प्लेस पे अपने गाँव या विलेज का नाम डालना है, उसके बाद डन करना है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म 001 का प्रीव्यू आपके सामने खोल कर आ गया है, पूरा डिटेल जो हमने अभी
शुरुआती दौर पे भरा है वो सब यहाँ पे खोल के आ गया है। और यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।